हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है आईसीएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेवन बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार आज हम इसका टॉपिक नंबर्स और इसकी थर्ड यूनिट डेसिमल की लास्ट एक्सरसाइज थ्री ई सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं तो आप चाहें तो इसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन ताकि मेरे फ्यूचर के आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स फॉर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड विच फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनको जब हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं और उनका रिमाइंडर जीरो हमें मिल जाता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जब हम किसी भी नंबर्स या फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाते हैं जिनका रिमाइंडर जीरो नहीं आ पाता है तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के साथ फाइव अपॉन एट तो बेसिकली इसको फाइंड करने का एक शॉर्टकट तरीका है दैट इज वी कैन से द नंबर और डेसिमल नंबर इज टर्मिनेटिंग Whose denominator is divisible by two or five or both? Okay, so we can say here a decimal number is terminating whose denominator. ज डिविजिबल बाय टू और फाइव और बोथ ओके या तो वो टू से कंप्लीटली डिविजिबल हो या फिर फाइव से डिविजिबल हो या दोनों के साथ मतलब टू फाइव या टेन टेन के साथ डिविजिबल हो तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट दैट इज फाइव अपॉन एट सो इसका डिनोमिनेटर जो है एट है डिनोमिनेटर है एट एट के जब हम फैक्टर्स करेंगे टू इंटू टू इंटू टू मतलब ये टू से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा सो इट इज टर्मिनेटिंग सिमिलरली second पार्ट थर्टीन अपॉन फिफ्टीन सो इसका डिनोमिनेटर है फिफ्टीन तो मैं फिफ्टीन के फैक्टर्स कर लेती हूं थ्री into फाइव सो फाइव तो डिवाइड हो जाएगा फाइव के साथ लेकिन थ्री डिवाइड नहीं होगा सो दिस फिफ्टीन इज नॉट डिविजिबल बाय फाइव और टू सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नेक्स्ट नंबर इज नाइनटीन बाय ट्वेंटी फाइव सो ट्वेंटी फाइव जो इसका डिनोमिनेटर है 25 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं फाइव इंटू फाइव तो ये फाइव से कंप्लीटली डिविजिबल है सो इट इज टर्मिनेटिंग नेक्स्ट इज सेवेंटीन बाय ट्वेंटी वन सो डिनोमिनेटर ट्वेंटी वन है ट्वेंटी वन के हम जब फैक्टर्स करेंगे थ्री इंटू सेवन ना तो ये टू से डिवाइड होगा ना ये फाइव से डिवाइड होगा सो वी कैन से इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नेक्स्ट नंबर इज वन पॉइंट टू थ्री बाय फोर सो इसका डिनोमिनेटर फोर है सो वी कैन से दैट फोर का फैक्टर हो जाएगा टू बाय टू और ये टू को हम डिवाइड कर सकते हैं टू के साथ जैसे कि मैंने बताया था टू और फाइव से डिविजिबल होना चाहिए तो टू से ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली सो इट इज टर्मिनेटिंग नेक्स्ट इज थ्री पॉइंट सेवन फाइव बाय नाइन अब हम नाइन के फैक्टर्स करेंगे दैट इज थ्री इंटू थ्री जो कि ना तो टू से डिवाइड होगा ना फाइव से डिवाइड होगा सो वी कैन से इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नेक्स्ट इज 21.45 वन बाय इलेवन तो 21.45 जब हम 11 से डिवाइड करते हैं वी गेट इट कम्प्लीटली डिविजिबल दैट इज़ वन और जब हम इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर लेते हैं और मैं ये डेसिमल हटा के यहाँ पर 100 लिख देती हूँ और 100 के मैं फैक्टर्स कर देती हूँ दैट 2 टू 2 टू 5 फाइव इंटू फाइव मतलब ये टू से भी डिवाइड हो जाएगा और फाइव से भी डिवाइड हो जाएगा सो इट इज़ टर्मिनेटिंग नेक्स्ट इज 0.56 पॉइंट फाइव नाइन और ये नाइन को जब हम फैक्ट्राइज करेंगे वी गेट थ्री बाय थ्री और थ्री को जब हम टू और फाइव से डिवाइड करेंगे इट इज नॉट डिविजिबल सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग हेंस दिस क्वेश्चन इज बीन सॉल्व आई होप आपको ये समझ में आया होगा नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज रिकरिंग डेसिमल्स रिकरिंग डेसिमल्स आपको बताना है वो एक ही तरीके से जैसे हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ते हैं उसी तरीके से रिकरिंग डेसिमल्स हम पढ़ते हैं सो वन बाय थ्री को हमको डिवाइड करके देखना है कि ये रिकरिंग डेसिमल में है या नहीं सो so, हम डिवाइड करेंगे वन को थ्री के साथ सो वन नंबर ये डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको जीरो से डिवाइड करेंगे देन वील पुट अ डेसिमल विल गेट अ जीरो हियर

ये जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है मतलब बार बार रिपीट हो रहा है सो दिस इज कॉल्ड अ रिकरिंग डेसिमल सो जिसको एक्सप्रेस करने का तरीका है एक तो हम इस तरीके से लिख देते हैं कि थ्री 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 बार बार रिपीट हो रहा है और जो नंबर रिपीट हो रहा होता है जीरो पॉइंट जैसे थ्री रिपीट हो रहा है इसको वन टाइम लिख के इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं किसी किसी बुक में इसको इस तरीके से भी दिया रहता है थ्री जो कि रिपीटेड है इसके ऊपर एक डॉट लगा होगा यू कैन राइट इट आई देज जैसा आपको ईजी लगे नेक्स्ट इज वन बाय नाइन इसको भी हम डिवाइड करके देखेंगे वन को हमको डिवाइड करना है नाइन के साथ वन डिवाइड नहीं होगा विल डिवाइड बाय जीरो देन पुट अ डेसिमल एंड विल गेट अ जीरो हेयर सो नाइन वन ज इज नाइन एंड ऑन सब्सट्रेक्शन विल गेट वन अगेन आफ्टर डेसिमल विल पुट अ जीरो नाइन वन ज इज नाइन एंड ऑन सबस्ट्रेक्शन विल गेट हेयर वन अगेन विल पुट अ जीरो नाइन वन ज इज नाइन ऑन सब्सट्रैक्शन वील गेट वन सो दिस इज बीन रिपीटेड सो वील गेट हर जीरो पॉइंट वन 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 एंड सो ऑन सो वी कैन राइट दिस हे जीरो पॉइंट वन जो कि रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं वन के ऊपर हम डॉट लगा देंगे जो नंबर रिपीट है ओके वन बाय सेवन सो हम वन को डिवाइड करेंगे सेवन से so 1 divide nahi hoga we will write 0 here first then put a decimal we will get 10 7 1za is 7 and on subtraction we will get 3 after decimal we get a 0 7 4za is 28 and on subtraction we will get 2 after decimal we will put a 0 7 2za is 14 after that on subtraction we will get 6 we will put a 0 7 8za is 56

विल गेट अ जीरो हीयर सेवन वन ज इज सेवन एंड ऑन सब्सट्रैक्शन विल गेट थ्री विल गेट अ जीरो हीयर सेवन टू ज इज सेवन फोर ज इज ट्वेंटी एट एंड ऑन सब्सट्रैक्शन विल गेट टू सो यहाँ से ये डिविज़न रिपीट हो रहा है सो वी कैन राइट दिस एज जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन ये सारे ही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं सो

अगेन विल गेट अ जीरो हीरो सो इलेवन नाइन ज़ा इज नाइंटी नाइन एंड ऑन सब्सट्रेक्शन विल गेट वन फिर हम डेसिमल के पास ज़ीरो लगाएंगे टेन डिवाइड नहीं होगा यहाँ हम ज़ीरो ऐड करेंगे एक ज़ीरो हम यहाँ एड करेंगे अगेन नाइन ज़ा इट इज़ नाइनटी नाइन एंड ऑन सब्सट्रैक्शन विल गेट वन अगेन विल डिवाइड सो ज़ीरो नाइन ज़ीरो नाइन की सीरीज़ यहाँ रिपीट हो रही है सो वील राइट दिस एज ज़ीरो पॉइंट जीरो नाइन जो कि रिपीट हो रहा है इसके ऊपर हम बार लगा देंगे नेक्स्ट इज फाइव बाय सेवन सो नाउ विल डिवाइड फाइव बाय सेवन सो सेवन को हम डिवाइड करेंगे फाइव के साथ तो डिवाइड नहीं होगा फिर फाइव को डेसिमल के साथ लगाएंगे तो फिफ्टी हो जाएगा सेवन 7 इज फोर्टी नाइन एंड ऑन सब्सट्रैक्शन वील गेट वन अगेन विल पुट अ जीरो सेवन 1za is 7 we will get here 3 after decimal we will put a 0 7 4 za is 28 and on subtraction we will get 2 then again we will get take a 0 7 2 za is 14 we will get on subtraction as 6 0 a jayega. then 7 8 za is 56 and on subtraction we will get 4 and 0 then 7 5 za is 35 and on subtraction we will get a 5 एंड जीरोन then Seven ज is 49 and on subtraction सब्सट्रैक्शन we'll विल get वन So जैसे मैंने अभी यहाँ करके बताया था यही division repeat होने वाला है Only सेवन is going to be the number. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं जीरो पॉइंट सेवन वन फोर टू एट फाइव एंड दिस इज गोइंग टू बी रिपीटेड सो पर हम इसको बार में लिख देंगे Next is 50 by 11. So we'll write 50 and 11. So 11 4za is 44 and on subtraction we'll get 6. Put a decimal and we will get a 0 here. So 11 5 za is 55. Now 5 times yaha parajaya firham 0 4 is 44. Again. ऑन सब्सट्रैक्शन वील गेट अ सिक्स डेसिमल के बाद ज़ीरो आ जाता है फिर फाइव से डिवाइड हो जाएगा सो so, मतलब ये फिफ्टी फाइव हो गया और इसके बाद ये वापस फाइव आ गया तो इस तरीके से फाइव फोर फाइव फोर रिपीट होता जाएगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे फोर पॉइंट फाइव फोर और ये रिपीट हो रहा है डेसिमल के पहले भी हम बार नहीं लगाते हैं डेसिमल के बाद ही ये नंबर्स रिपीट होते हैं नेक्स्ट इज जीरो पॉइंट जीरो एट बाय एलेवन सो ये हम डिवाइड करेंगे जीरो पॉइंट जीरो बाय इलेवन तो डेसिमल के लिए हम सबसे पहले डेसिमल ही लगा देंगे जीरो देखेंगे डिवाइड नहीं होगा पुट अ जीरो हियर एट देखेंगे डिवाइड नहीं होगा पुट अ जीरो हियर आफ्टर दैट वील टेक अ जीरो इट विल बिकम एटी देन सेवन ज इज सेवेंटी सेवन एनआउंस एब्रैक्शन वील गेट थ्री देन एडिंग अ जीरो इलेवन टू ज्वेंटी टू विल गेट अ एट हीयर देन अगेन विल पुट अ जीरो देन सेवन से ये फिर से चला जाएगा सेवेंटी सेवन विल गेट अ थ्री हेयर और एक जीरो हम एड कर देंगे देन टू टाइम्स इट इज ट्वेंटी टू एंड वील गेट अ एट हीयर तो सेवन टू सेवन टू रिपीट होता जाएगा तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन टू रिपीट होगा तो इस पर हम बार लगा देंगे नेक्स्ट इज सेवनटीन बाय सिक्स सो नाउ विल डिवाइड सेवनटीन बाय सिक्स सो

तो रिकरिंग डेसिमल्स पे डेसिमल के बाद ये डॉट्स लगे हुए हैं डॉट का मतलब भी मैंने बताया था जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार या डॉट लगा देते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन इज जीरो पॉइंट थ्री थ्री के ऊपर डॉट मतलब थ्री के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जीरो पॉइंट थ्री 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 एंड सो ऑन तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री 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 एंड सो ऑन एक बार और लिख लेते हैं नेक्स्ट अब हम इस जो रिकरिंग नंबर है मतलब एक नंबर है तो हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे अगर दो नंबर रिपीट हो रहे होते तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते सो okay. okay. so, यहां पर एक नंबर रिपीट है सो so मैं यहां टेन से मल्टीप्लाई कर दूंगी सो दिस बिकम थ्री पॉइंट थ्री 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 एंड सो ऑन नाउ वील सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट मार्क दिस हैजन

तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जीरो पॉइंट सिक्स 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 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर सबसे पहले हम रिज्यूम करेंगे लेट एंड सो ऑन। अगेन वील मल्टीप्लाई बाई टेन बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक नंबर या एक डिजिट रिपीटेड है सो सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स एंड सो ऑन मार्किंग दिस एज वन दिस एज टू नाउ अगेन वील सब्ट्रैक्ट टू एंड वन टू को हम वन से माइनस कर देंगे सो वील गेट हेयर नाइन एक्स इक्वल टू सिक्स सो एक्स विल बी इक्वल टू सिक्स बाय नाइन थ्री टू ज थ्री थ्री ज, सो इट बिकम्स टू बाय थ्री हैंस वी कैन से जीरो पॉइंट सिक्स बार इज इक्वल टू टू बाय थ्री नेक्स्ट इज जीरो पॉइंट वन थ्री बार मतलब सिर्फ थ्री जो है दैट इज़ रिपीटेड सो वी कैन राइट दिस एज ज़ीरो पॉइंट वन थ्री 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 एंड सो ऑन सो यहाँ पर भी पहले हम एज्यूम करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन थ्री 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 एंड सो ऑन यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो नंबर रिपीट हो रहा है क्या हम उसको Uh, मतलब सिंपल होल नंबर में ला सकते हैं तो पहले मैं यहाँ टेन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी सो आई गेट वन पॉइंट थ्री 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 एंड सो ऑन और फिर मैं हंड्रेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी जिस बिकम थर्टीन पॉइंट थ्री 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 और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होल नंबर में आ जाएगा लेकिन जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होल नंबर में नहीं आएगा इसलिए मैंने एक और नंबर डेसिमल के बाद एज्यूम कर लिया है तो नाउ विल सब्ट्रैक्ट दीज टू सो ऑन सब्ट्रैक्शन विल गेट हंड्रेड माइनस टेन विल बी नाइन्टी एक्स और यहाँ पर जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वील गेट अ ट्वेल्व हेयर सो एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई नाइन्टी सो ये सिक्स से डिवाइड हो जाएगा

तो यहाँ पर हम इसको होल नंबर में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दो नंबर्स जो है वन एंड सेवन सो मतलब हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू सेवनटीन पॉइंट वन सेवन वन सेवन वन सेवन एंड सो ऑन नाउ विल बी सब्ट्रैक्टिंग दिस सब्ट्रैक्ट लेट दिस बी वन लेट दिस बी टू टू में से हम वन माइनस कर देंगे सो हंड्रेड माइनस वन इज नाइन्टी नाइन एक्स और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट अ सेवनटीन So, x is equal to 17 by 99. Hence, we can say that 0.17 bar can be written as 17 by 99. Hence, this is the solution. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज थैंक यू फॉर वॉचिंग